कानपुर जिले के सिंधी बस्ती क्षेत्र में रहने वाले राम कुमार नामक व्यक्ति द्वारा पिछले एक दशक से साइकिल से टिफिन का वितरण किया जा रहा है। दरअसल इनके मामा से इनको प्रेरणा मिली और उन्होंने यह कार्य शुरू कर दिया। सुबह से दोपहर तक वे 150 से अधिक टिफिन दुकानदारों और प्रतिष्ठानों तक पहुँचाते हैं, लेकिन एक दशक में आज तक भी इनसे कोई गलती नहीं हुई है। लोग इन्हें मैनेजमेंट मास्टर भी कहते हैं। थैली बदल कर मिले या टिफिन, लेकिन राजकुमार से कोई गलती नहीं होती। दरअसल राजकुमार जब लोगों के घर पर टिफिन लेने के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हें जिस थैली और जो टिफिन मिलता है उसको ही वे लोगों तक पहुंचाते हैं। इनसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। अब यह रामकुमार मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं। मैनेजमेंट के विद्यार्थी उनसे सीख रहे हैं। गौरतलब है कि यह रामकुमार पिछले एक दशक से यह काम कर रहे हैं। प्रोफेसर शिवानी सुबोध मेहरा HOD सेवा सदन कॉलेज BB संकाय से बात की तो उनका कहना है कि बुरहानपुर के डिब्बे वाला युवक राजकुमार के इस असाधारण काम के मैनेजमेंट की शिक्षा लेने वाले मुरीद हो गए हैं। उनका कहना है कि मुंबई के डिब्बे वालों को 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन मिला है, यानी 1 लाख प्रोडक्ट बेचने पर केवल 6-4 शिकायत स्वीकार योग्य होती है, उस पर इस तरह का सर्टिफिकेशन मिलता है। लेकिन बुरहानपुर के रामकुमार डिब्बे वाला बिना किसी एजुकेशन, बिना किसी चैनल, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी अनुभव के अपने काम को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो उनके पास एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट है, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी हायर है। ये किस तरह से टिफिन ले आते हैं आपके घर से रोज, और क्या बराबर पहुंचाते हैं? हाँ, बराबर पहुंचाते ना। राम नाम है उनका। अच्छा। राम गगनानी, टिफिन बराबर पहुंचाते हैं। ये पहले इनके मामा जी करते थे, आज से 15-20 साल पुराना इनका यानी काम है। इनके मामा जी पहले करते थे, फिर इनके मामा जी का देहांत हो गया, फिर इन्होंने ये काम संभाला। इनको आज करते समझो कि 10-12 साल इनको हो गए हैं। तो कैसे आप रोज टिफिन की थैली के रंग भी बदल देते हैं, टिफिन भी बदल देते हैं? नहीं, वो बिल्कुल उसका जजमेंट है, वो बिल्कुल जाके दे देता है, यानी कभी उससे गलती कभी आज तक की नहीं हुई है। टिफिन कब से बांट रहे हो और कैसी प्रेरणा मिली आपको? मेरे को खुद ही मिल गई और सेवा करता हूँ और ये जगह जगह पे पहुँचाता हूँ। कहाँ से लेकर जाते हो, कहाँ तक? सिंधी बस्ती से कुआरा चोर तक। कितने किलोमीटर में घूमते हो आप? कितने किलोमीटर घूमते हो आप? इतना मेरे को जानकारी नहीं है, पूरा घूमना पड़ता है। पूरा शहर घूमते हो? हाँ। घर से टिफिन लेते हो और वहाँ देते हो? हाँ। कभी ऐसे चेंज नहीं हुए डब्बे? नहीं, किसी को गलत चला कुछ गया भी नहीं। कितने सालों से कर रहे हो ये? 2015 से कर रहा हूँ। निरंतर जा रही है, कोई छुट्टी नहीं रहती किसी? नहीं, छुट्टी हमारे ऊपर है, करना नहीं करना। किस तरह से आपको डब्बा मिलता है और फिर कैसे पहुँचाते आप? छनवारा से लेके बस टेम्पो स्टैंड, टेम्पो से लेके बस स्टैंड, पूरा मैंने घूमना पड़ता है। आसानी से आप लेकर चले जाते हो? सब सब। ये किन लोगों के टिफिन पहुंचाते हो आप? हाँ? कौन लोग हैं ये जो जिनके टिफिन पहुंचाने? ये दुकानदारों की है। देखिए सर, पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है राम जी के बारे में बात करके। जैसे कि आपने बताया कि वो एजुकेटेड भी नहीं है, उसके बावजूद जो टिफिन वाला है, मुंबई के जो टिफिन वाला है, वो अगर आप जानते होंगे तो उनके बारे में, उनको 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन मिला, यानी 1 लाख अगर हम प्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट का करते हैं या कोई चीज का हम करते हैं, उसमें सिर्फ 4 गलतियों को एक्सेप्टेबल होता है उस एक्यूरेसी के बारे में टिफिन वालों के। पर इस चीज को वो बिना किसी सर्टिफिकेशन के, एजुकेशन के, या किसी चैनल के, या किसी एक्सपीरियंस के अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनके पास एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट है सर। उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो बहुत हायर है, यानी अगर किसी महिला ने टिफिन का कलर चेंज भी कर दिया है तो उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया और करेक्ट टिफिन को पहुंचाया। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल भी होगा सर, मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पर कम्युनिकेशन स्किल ऑफकोर्स होगा। महिलाओं से जुड़ना और फिर उनका सामान लेना और सही जगह सही समय पर पहुंचाना, इसके लिए कहीं ना कहीं एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होती है।